तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द ट्विन फ्लेम कनेक्शन? इस बात को जानने के लिए एक्चुअली थर्ड पार्ट है, इसके पहले के दो पार्ट बने हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो इस पार्ट में हम और अच्छे से डिटेलली जानेंगे कि व्हाट इज़ द ट्विन फ्लेम, क्योंकि ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि हम एक ही वीडियो में सारी बात को समझ सकें। सो व्हाट इज़ द ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम ये एक रिलेशन का नेम है, जिसे हम मास्टर सोल भी के नाम से भी जानते हैं, डिवाइन सोल के नाम से भी जानते हैं, और एक प्योर डिवाइन सोल होती है। ये जो रिलेशन जो होता है ट्विन फ्लेम का, ये जो होते हैं दोनों भी जो स्प्लिट हो चुके हैं दो आत्मा में, दो होकर भी एक ही होते हैं, जैसे राधा कृष्ण, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति को सभी जानते हैं कि अर्धनारेश्वर के नाम से उन्हें जाना जाता है ना। तो उसी प्रकार से राधा कृष्ण, जो कि भले ही उनकी ये जो काया है वो डिफरेंट थी, मतलब ये जो शरीर थी दो शरीर में थे, बट उनकी आत्मा सेम एक ही थी। और श्री कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से बताया था उन्होंने कि राधा में जो भी विकार था उनको चेंज किया, विकार मतलब एक्चुअली विकार नहीं बोल सकते, मतलब कुछ इश्यूज थे, क्योंकि राधा का जन्म जब हुआ था वो सब कुछ भूल चुकी थी कि वो कौन है। वो एक्चुअली प्योर सोल है, एक दिव्य सोल है राधा जी, जो कि वो इस जन्म में अपने सारे अस्तित्व को भूल चुकी थी और वो एक साधारण लाइफ जी रही थी, है ना। तो लेकिन कृष्ण भगवान को सब याद था, कृष्ण भगवान को सब याद था। तो कृष्ण भगवान ने जब राधा से मिले, तब राधा ने भले ही श्री कृष्ण जी को नहीं पहचाना था, लेकिन अंदर से वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप फील करती थी, और जैसे जैसे उनमें जो भी विकार थे उसको चेंज करते गए कृष्ण भगवान। कि जैसे इशू कौन बोलते थे उनमें, क्रोध का इशू, जेलसी का इशू, जो हर इंसान में नॉर्मली होते रहता है, वो सारी चीज़ें, मोह का इशू था, इस प्रकार से जो भी इश्यूज आ रहे थे, जो भी विकार आ रहे थे, उन सारे इश्यूज को श्री कृष्ण भगवान ने एज अ ह्यूमन बींग के रूप में ही उन्हें चेंजेस करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब राधा मैया को उन्होंने राधा मैया बनाया, मतलब कि उन्हें प्योर सोल, उनको उनका जो अस्तित्व है एक्चुअल में कौन है उन्हें याद नहीं है, बट जब पूरी तरह से इस स्थिति से बाहर निकल गए और एक दिन उन्हें पता चला कि वो एक्चुअल में कौन है। राधा और कृष्ण की विवाह नहीं हुई थी, फिर भी राधा का ही नाम लिया जाता है कृष्ण भगवान के साथ, तो वही है आज के ज़माने में। उनकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी वो एक थे, हमेशा अनंत प्रेम था, वो अलग होकर भी साथ थे हमेशा टेलीपैथी कनेक्शन के साथ, जैसे कि शिव और शक्ति भी हमेशा साथ होते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। राधा और कृष्ण भी कभी अलग नहीं हुए और ना ही कभी हो सकते, हमेशा साथ है, क्योंकि एक ही है वो। एक का कर्म दूसरों को भी भुगतना पड़ता है, मतलब एक सोल ने अगर गलती की तो दूसरे सोल को भी भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार से ये ट्विन जो है, जो धरती पे है, ये एक प्योर सोल होती है, जो कि धरती पे कुछ लोगों की मानसिकता को चेंज करना उनका सोल पर्पस होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जबकि जब वो रीयूनियन होते हैं एक दूसरे से, रीयूनियन मतलब कि दोनों भी सोल जब अवेकन हो जाती है सोल पर, सोल लेवल पे अवेकन हो जाती है, स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं, तो उसके बाद उनमें जो जानकारी होती है एक दूसरे से, जब एक फ्रीक्वेंसी में आते हैं कलेक्टिव एनर्जी में, और ऐसे सभी ट्विन्स की जो एनर्जी है उस एनर्जी से इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है सभी सोल्स को। मास्टर सोल्स भी कहा जाता है जिन्हें, ट्विन सोल को ये करना होता है।
मैंने तो आपको रात